अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अलीस बाकी रेसिपी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज हमने बनाया है मटन बिल्कुल नए स्टाइल में, अखनी मटन। अखनी पुलाव आपने खाया होगा, अखनी बिरयानी खाया होगा, पर अखनी मटन अभी आपने नहीं बनाया खाया होगा। तो ये अरबियन स्टाइल अखनी मटन है, बहुत ही टेस्टी बनता है। सऊदी अरब में बहुत इसको बहुत शौक से खाते हैं और बहुत ही ज्यादा इसको बनाते हैं। बकरीद वगैरह में, ईद स्पेशल में, पार्टी वगैरह में इसी अखनी मटन ही बनवाते हैं ज्यादातर। इसलिए मेरे यहाँ के लोग रह चुके हैं ना, तो इसलिए मुझे पता है, बताते हैं कि वहां के रेस्टोरेंट में भी बहुत ज्यादा ये पाया जाता है। तो आइए हम देख लेते हैं हमें किस तरीके से अखनी मटन बनाना है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमें अखनी मटन बनाने का तरीका। तो बहुत ही इजी और बहुत ही जो है आसान तरीका है बनाने का। आप एक बार बनाएंगे तो सारे मटन के तरीके भूल जाएंगे। तो आइए हम देख लेते हैं किस तरीके से बनाना है हमें। तो ये हमने रख दिया है कुकर, गैस हमने जला दिया है और इसमें हम डाल देंगे 250 से 300 ml पानी है। जितना हमारा मटन है उसी हिसाब से हमें पानी डालना है। अगर आपका मटन 1 किलो है, 2 किलो है, तो पानी की क्वांटिटी डबल कर लीजिए। ये हमने लिया है जावित्री का फूल 1 और 1/2 इंची का दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग और 1/2 चम्मच जीरा और 10 से 12 काली मिर्च। इसमें हमने डाल दिया 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर कलर के लिए, और इसको हम रख देंगे खौलने के लिए। पानी हमारा खौल रहा है। अब इसको जो है हम गैस मीडियम का बिल्कुल स्लो कर देंगे। अभी हमने लिया है 500 ग्राम मटन। आप किसी का भी मटन ले सकते हैं, बड़े का भी और उसके बाद जो है बकरे का, तो हम बकरे में बना ही रहे हैं, आप चिकन में भी इसको बना सकते हैं। तो 1/2 किलो मटन है, हमने धो के खूब अच्छे से साफ कर लिया है और ये हमारा जो है मसाला खौल गया था, तो इसलिए हमने गैस को बंद कर दिया। इसको तो बिल्कुल खौलते हुए पानी में मटन मत डालिएगा, नहीं तो मटन आपका जो है ऐंठ जाएगा और ये जल्दी गलेगा नहीं, इसका टेस्ट भी बिगड़ जाएगा। तो चलिए सारे मटन को हम डाल देंगे एक एक करके, और ये खड़े मसाले में जब ये पकेगा तो बहुत ही टेस्टी अखनी मटन, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनके तैयार होगा। तो चलिए हम इसको लगा देते हैं ढक्कन, और गैस को हम जो है अभी हम मीडियम रखेंगे। उसके बाद जो है हम 2 सीटी हाई फ्लेम पे आने तक वेट करेंगे। उसके बाद इसको हम अब रख देंगे लो फ्लेम करके, 7 से 8 मिनट तक ये पकेगा। तो चलिए हम मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने ले लिया है पैन, आप कढ़ाई में बनाएं या पतीली में बनाएं या भगोने में बनाएं, हम इसको बनाएंगे फ्राई पैन में। मटन आप जितना बनाएंगे मसालों की क्वांटिटी आप डबल करते रहना है आपको। तो चलिए तेल हमने डाल दिया 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल, 1/2 चीनी जो है इंची दालचीनी का टुकड़ा, और ये हमारा जो है अदरक लहसुन का 1.5 चम्मच है पेस्ट। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद जो है ये हमारा 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1.5 चम्मच सॉरी, और ये खूब अच्छे से कच्चापन इसका जो है निकल जाएगा और ये खूब अच्छे से पक जाएगा। तो ये तेल में पक चुका है खूब अच्छे से अदरक और लहसुन। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ ड्राई मसाले, ये देखिए। तो ये 1/2 चम्मच हमने लिया है लाल मिर्चा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच जो है धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, अब 1/2 चम्मच से जो है थोड़ा सा कम भुने हुए जीरा का पाउडर। तो इन सब मसालों को हम तेल में डाल देंगे और इसको 1 मिनट तक हम चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी कि हमारा मसाला जले नहीं और खूब अच्छे से इसमें पक जाए, भून जाए। तो मसालों को हम भून लेते हैं। फिर उसके बाद हम ले लेंगे 2 टमाटर मीडियम साइज के, इसको हम आप जिस साइज में चाहे उस साइज का आप काट सकते हैं, आप गोल भी काट सकते हैं, चौकोर भी काट सकते हैं। इसका छिलका हमने उतार लिया है, और 1-5 हरे मिर्चे लिए, इसको भी हम एक पेस्ट बनाएंगे। तो जो हमारा जो है टमाटर का छिलका है, इसको हमें वेस्ट नहीं करना है, फेंकना नहीं है, इसको भी हम आगे बताएंगे हमें क्या करना है। तो टमाटर को हमने जो है पीसेस में कट कर लिया है, ये देखिए। फिर इसको हम रख देंगे साइड में। तो ये टमाटर का छिलका और हरे मिर्चे और ये धनिया का डंठल है, जिसको हम वेस्टेज समझ के फेंक देते हैं, तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसका एक पेस्ट बनाएंगे। तो ये टमाटर के छिलके और हरे मिर्चे और धनिए का जो है डंठल का हम इसको बना लेंगे एक पेस्ट। तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा जो है टेस्ट आता है।
तो ये देखिए इसको जो हम बेस्ट समझ के फेंक देते हैं उसको हम पीस के एक पेस्ट बना लेंगे। तो इसको हम चलिए पीस लेते हैं। तो एक फाइन पेस्ट हमने इसको बना लिया है। अब उसी मसाले में जो है इसको हम ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मसाला हमारा जो है आधा 5% तक कुक हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर, और इसके बाद जो टमाटर का और टमाटर के छिलके, हरी मिर्चे, धनिया के डंठल का हमने प्यूरी बनाया था पेस्ट, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा इसको मिक्सी को हम खंगाल के पानी डाल देंगे। तो इसको हम अब मतलब समझ लीजिए कि आधा हमारा मसाला पक चुका है, आधा और बाकी है पकना। तो इसको हम लगा देंगे ढक्कन और कर देंगे साइड में इसको मीडियम फ्लेम पे करके, यानी मीडियम आंच पे करके हम पकने के लिए। फिर चलिए हमने जो मटन उबलने के लिए रख दिया था उसको हम देख लेते हैं। तो सीटी हमारा जो है अपने आप से निकल गया है इसका गैस, और ये मटन हमारा जो है बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, बहुत अच्छी जो है इसकी खुशबू आ रही है। तो चलिए हम मटन को जो है देख लेते हैं और एक एक करके हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा जो है मटन 90% तक कुक हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो सारे मटन को एक एक करके हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो ये जो खड़े मसाले हैं इसको आप एक कपड़े में बांध के जो है इसमें डाल सकते हैं, और या कोई मतलब हमें तो ऐसे ही आसान लगता है तो हम इसको ऐसे ही डालते हैं। तो मटन को हमने निकाल के साइड में कर लिया है। ये जो हमारा यखनी का पानी है इसको हम छान लेते हैं। इसको हमें फेंकना नहीं, इसको हम बाद में बताएंगे हमें इससे क्या करना है। तो ये सारा मसाला हमने छान लिया है, ये मसाला हमारे काम का नहीं है तो इसको हम फेंक देंगे। और बहुत बार इसको जो है पीस के भी लोग डाल देते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता, सारा इसका टेस्ट यखनी में ही निकल आता है। तो चलिए मटन हमारा मसाला हमारा देख लेते हैं भून गया है, टमाटर देख लेते हैं हमारा कितना पक चुका है। तो टमाटर हमारा जो है आधा गल चुका है, ये देखिए 50% तक गल चुका है ये देखिए, और मसाला भी हमारा जो है आधा से ज्यादा पक चुका है। तो चलिए हम इसमें अब डाल देते हैं जो हमारा मटन यखनी वाला उबला हुआ है उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मटन तो हमारा पका हुआ है, मसाला भी हमारा भुना हुआ है, बस 3 से 4 मिनट तक मटन डाल के इसको हम भूनेंगे। ये देखिए तो ताकि मसाला और मटन हमारा खूब अच्छे से मिक्स हो जाए और एक मिक्सिंग तैयार हो जाए इसको। तो चलिए इसमें हम जो है ढक्कन लगा के इसको कर देते हैं साइड में मीडियम फ्लेम करके। ये देखिए हमारा मटन और मसाला भुन चुका है। अब इसमें हम कुछ और मसाले ऐड करेंगे जो अभी तक अभी हमने ऐड नहीं किया था। तो इसको हम चला लेंगे उलट पलट कर, और ये मटन और मसाला हमारा मिक्स हो गया। तो इसमें हम डाल देंगे, ये हमने 2 प्याज का पेस्ता बनाया था तो इसको दरदरा सा हमने पीस लिया है। आप चाहें तो हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं या चॉपर में भी चाप करके डाल सकते हैं। और इसको डालने के बाद 1 मिनट तक और इसको हम मिक्स करेंगे मटन में कि हमारा जो है प्याज खूब अच्छे से मटन में मिक्स हो जाए। और इसको डालने के बाद बहुत अच्छी सी स्मेल और खुशबू आने लगी है मटन की। आपका तो इतना अच्छा ये खुशबू और टेस्ट आ रहा है कि पूरा मोहल्ला जो है महक जाएगा आपके मटन से। अगर आप 1 किलो 2 किलो बनाएंगे तो पक्का मैं गारंटी देती हूँ आपका पूरा मोहल्ला दौड़ के आ जाएगा आपके घर पूछने कि आपके घर पक क्या रहा है। तो ये देखिए हमारा 2 मिनट हो चुका है, प्याज भी हमारा मिक्स हो गया है मटन के साथ। अब इसमें हम डाल देंगे ये यखनी वाला पानी, यखनी वाला पानी भी हम मटन में डाल देंगे तो बहुत ही लाजवाब बहुत ही टेस्टी यखनी मटन बनके तैयार होगा। इसको अरबियन यखनी मटन बोलते हैं। तो चलिए इसको हम साइड में कर देते हैं पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे, गैस के फ्लेम को हम इसको इसके पानी को थोड़ा सा हमें मटन में पकाना है कि बिल्कुल मिक्स हो जाए। तो ये देखिए हमारा जो है मटन पक चुका है यखनी में, अभी थोड़ा सा हमें पानी का और वो लग रहा था तो हम इसको थोड़ा सा भी और हमें पकाना है। इसमें अभी हमने गरम मसाला नहीं डाला है तो उसको भी हम इसमें डाल लेंगे। तो ये हमारा जो है गरम मसाला है, इसको हमने जो है बहुत अच्छा खुशबूदार बनाया था पीस के। इसमें इलायची और जायफल का जो है बहुत ज्यादा मात्रा में है ये खुशबूदार मसाला, इसी के लिए हमने इसको अलग से बनाया था।
तो चलिए इसको मसाले को हमने डाल दिया है और ढक्कन हम बंद कर देंगे थोड़ा सा इसको मिक्स करके। तो 2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे करके हम छोड़ देंगे ढक्कन बंद करके कि इसका जो है खुशबू मटन में आ जाए मसाले का। तो ये देखिए हमारा जो है पक चुका है और इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्चें। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि हमारा अरबियन यखनी मटन आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। और ये हमारा जो है कैमरा पता नहीं कैसे झिलमिल मिला रहा है, अगर आपको आइडिया होगा तो कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए वॉचिंग द वीडियो, अल्लाह हाफिज़।